और जैसे ही भाई ग्रीन वैली से निकले ना भाई, बर्फ ही बर्फ, कितनी सारी बर्फ गिर रही है। देख रहे हो कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है, ये देखो ये सारा बर्फ ही बर्फ है, ये देखो वहां से लेके पूरा अभी तो। देखो सवेरे सवेरे लड़के लड़कियां आती हैं तो पूजा पाठ करती हैं, सुबह सुबह देखो लड़ाई कर रहे हैं, मार दबा दिए ये देखो दबा दिए। अरे भाई सतेंद्र आज बाहर ही पड़ेगा, कौन बाहर ही पड़ेगा देखो। अरे ये सीजे तो देखो जे देखो ये शिमला घूमने आए, ये लड़ रहे आए, बैड़ी भी तोड़ देंगे यहाँ का। अरे गिरे गिरे ये देखो, बहुत बढ़िया गाइस, ऐसी लड़ाई करो। तो बोल बजरंगबली की जय। भाई हमारी शुरुआत सफर की हो चुकी है शिमला टूर में, जो कि हम पूरे जो लोकल विजिटर हैं, जो जो प्लेस हैं लोकल वाले, वो सारे घूमेंगे और सारे कवर करेंगे भाई के साथ। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं भाई, यहाँ पे जो गाड़ी बुकिंग का जो चार्जेस रहता है वो 2000-1800 जैसे आप बार्गेनिंग कर लो उस टाइप के रहता है। तो हमारे साथ अब लोग जा रहे हैं, देखो ये लोग बैठे मस्त, अब हम चले घुमाएंगे। पहले हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे भाई? जाकू टेम्पल जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जाकू टेम्पल। तो इन्होंने कहा कि दिन की शुरुआत जो है मंदिर से करते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बजरंगबली के मंदिर चलते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी विशाल मूर्ति लगी हुई है, तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें पूरे व्यू। तो सामने है शिमला का वो ओल्ड बस स्टैंड। अच्छा ये ओल्ड बस स्टैंड है, एक न्यू बस स्टैंड भी है नीचे की तरफ, और ये ओल्ड बस स्टैंड। जब शिमला में आते हैं तो दो जगह उतारती है बस, या तो यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड या फिर न्यू बस स्टैंड। तो हम तो न्यू ओल्ड बस स्टैंड पे आए थे मस्त। अब यहाँ से ये देखो जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं वही है जग्गू टेम्पल, और यहाँ से हनुमान जी की जो विशाल मूर्ति है वो दिख रही होगी आपको सामने। कल शाम को नहीं दिख रही थी, बस अभी आपको दिखेगी सबसे बढ़िया यही व्यू होते हुए हम जाएंगे अभी ऊपर। यहाँ से बाई रोड जाएंगे, 9 किलोमीटर है, देखते हैं पास जाके कहता विशाल है पूरा मस्त। जग्गू टेम्पल जाते जाते रास्ते में पड़ा छोटा शिमला, इसको छोटा शिमला क्यों बोलते हैं, इसको कुछ बताइए। बस बोलते हैं मतलब छोटा शिमला के नाम से मशहूर है इसको बोलते हैं। जैसे वहाँ ये रहा सचिवालय हिमाचल का, देख रहे हो बढ़िया है, पर यूपी से छोटा है, बहुत छोटा है। तो भाई जब ऊपर जा रहे थे जाकू टेम्पल में, तो गाड़ी में थोड़ी सी मतलब क्या है ना कि एकदम सीधी चढ़ाई है एकदम, तो हर कोई नहीं चला सकता। अगर आप यहाँ गाड़ी लेके आ रहे हो तो तभी लेके आना जब आप परफेक्ट ड्राइवर हो, वरना तो मैं दिखाऊं मैं ये गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है, बाकी चढ़ रही है, कुछ चढ़ रही है, कुछ नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि दिक्कत तो है। क्या कहोगे भाई? देखते हैं आगे बताए क्या। चलो भाई जरूरी नहीं है अगर तुमने गाड़ी एक हायर कर ली और तुम वो गाड़ी तुम्हें वहां तक ले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पैदल? नीचे भी देखो हमारी गाड़ी जॉब दे गई है गाड़ी भाई, एक तो इतना वजन था कितना, 80 किलो 80 किलो 80 किलो और 80 किलो, नहीं 79 है इसका। ओ भाई लोग एक क्विंटल है, तो वो गाड़ी बोल गई, कह रहे भाई जा नहीं रही, तुम लोग का वजन ज्यादा है। तो हमने कोई बात नहीं, हम लोग पैदल चले, तुम यही वेट करो। तो गाड़ी को वहीं वेट करा दिए, जो गाड़ी आ रही है ऐसी गाड़ी जा रही है ऊपर, ये हमारी वजह से ये भी रुक जाएंगी, पर फिलहाल चल रहे हैं हम लोग। और भी लोग जा रहे हैं धीरे धीरे चलते चलते, देखो ये वहाँ से पजू नजारे हैं, बहुत बढ़िया मस्त पहाड़ों में। चलो दिल्ली से दूर भाई, स्कॉर्पियो लेनी पड़ेगी अब तभी जा पाएंगे ऊपर। अब नज़ारे देख रहे हो क्या मस्त है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं जाकू टेम्पल, जो कि श्री हनुमान मंदिर जाकू टेम्पल अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा। जय बजरंगबली की जय। चलो भाई ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से। और तो भाई ये है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कि शिमला में जाकू टेम्पल पे लगी हुई है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने मंदिर है मस्त, ये देखो कितनी ऊंची है। जय बजरंग बली लिख देना कमेंट में अगर भाई अच्छी लगी हो तो। और जाकू मंदिर में जो कि यहाँ पे दर्शन में भीड़ लगी हुई है दो श्रद्धालुओं की, ये देखिए पूरा मंदिर और 108 फीट हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा, ये पूरा देखिए। अंदर वीडियो वाला बनाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ से देख लो आप, ये भगवान श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की और सीता माँ की मूर्ति पूरी मस्त, अंदर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वरना अंदर का भी दिखा देता आपको भाई। मैं तुम्हें जाकू मंदिर का जो इतिहास है मैं वो बता देता हूँ एक मिनट में सिर्फ। तो जाकू मंदिर का इतिहास ऐसे है कि कहा जाता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब बजरंगबली जो जड़ी बूटी का जो पहाड़ ले जा रहे थे, जड़ी बूटी ले जा रहे थे, तो यहाँ पे आके उन्होंने रेस्ट किया था, इसलिए यहाँ को जाकू टेम्पल कहा जाता है। और कुछ और बोल से रह गया हो तो आप बता दो।
ये यहाँ की कहानी ये है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, जब वापस लौट के आ रहे तो भरत जी ने जब उनको तीर मारा तो मूर्छित हो गए थे, तो यहीं पे वो मूर्छित होकर गिरे थे। फिर यहीं पर उन्होंने अपना आधा पर्वत छोड़ दिया था। ओके बस, तो अगर शिमला आ रहे हैं तो इस प्लेस को मिस ना करना, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ देख रहे भाई, क्या लुक है, वाह आपके हिसाब से कानून तो ऐसा होना चाहिए, डायरेक्ट फांसी भी। वाह भाई वाह, बस जैसा योगी कर रहे हैं। अरे बाबा का तो कमाल ही है, देख रहे बाबा का फैन है भाई। तो भाई देख रहे मौसम हो रखा है एकदम बारिश वाला हो रखा है, कुफरी जाने के लिए एंट्री कर रहे हैं हम लोग। और मौसम बहुत सुंदर हो रखा है। फिलहाल हम आ चुके हैं ग्रीन वैली, जो कि शिमला की सेकंड टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप शिमला रहे तो इसको भी मिस नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, पर मेरे पीछे जो तुम देख रहे हो तो अब देखो तुम्हें ग्रीन वैली दिख रही है, बहुत एक नंबर की ग्रीन वैली दिख रही होगी तुम्हें। तो मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, तब तुम्हें समझ में आएगा हाँ सच में ग्रीन वैली कितनी तगड़ी है। ये रहा पूरा ग्रीन वैली का सीन, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है भाई। अगर तुम मेरी आंखों से देखोगे ना तब तुम्हें लगेगा, कैमरे में शायद वो क्लियरिटी वो ग्रीन ही ना दिखे, पर अगर मेरी आंखों से देखोगे, आंखों से नंगी आंखों से देखोगे ना, इस प्यार को एकदम इस सीन को प्यार हो जाएगा तुम्हें। ये देखो पहाड़ों के बीच में मस्त है ना, एक नंबर का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ खा लेते हैं, पहले घूम लिए अब कुछ खाने, ग्रीन वैली का कुछ खा ले फिर जाएंगे कुफरी। कुफरी जा रहे हैं ना, तो बीच में ये पड़ता है ग्रीन वैली कुफरी जाते टाइम, पहले खाते हैं क्या। देख रहे भाई हम उधर फोटो वोटो खिंचाने भी जीते, ये भाई भेलपूरी उचेल रहे हैं। भाई बना दीजिए भेलपूरी, भेलपूरी भेलपूरी बोला जाता है। चलो भाई भेलपूरी खाएंगे मस्त, तब तक भाई की भेलपूरी ग्रीन वैली के पास जरूर खा के जाना है, आना। तो ग्रीन वैली में भाई बारिश होने लगी, देख रहे हो बारिश होने लगी। चलो भाई गाड़ी में, और अब चलते हैं यहाँ से कुफरी, कुफरी वाले में चलते हैं वहाँ पे। और ज़्यादा अगर आइस गिर जाए ना तब तो मज़ा ही आ जाए पूरे ट्रिप का, तो मज़ा आ जाए शिमला की ट्रिप का। यहाँ पे देख लोगों को आराम से फोटो शूट चलना लोगों का। चलो चन्ना मेरे याद करेंगे मिस यू। और जैसे ही भाई ग्रीन वैली से निकले ना भाई, बर्फ ही बर्फ, कितनी सारी बर्फ गिर रही है, देखो मैं ये देखो बर्फ तो पड़े भाई बहुत तेज है, हाथ में आ जाए हाथ में तो नहीं आई, पर बर्फ गिर रही है ये देखो, रोड पूरे वाइटी वाइट हो गए भाई बहुत तक। लोगों ने बाहर से बर्फ के कुछ टुकड़े निकाल लिए, देखो ये रहे हाथ पे भाई, स्नोफॉल तो यहीं देखने को मिल गई। ये देख रहे हो शीशे पे कैसे आ रहे हैं, अरे भाई कहीं नहीं आ रहा, हाँ देखो अब शीशे पर, ये देखो भाई मस्त माहौल तो बन गया तगड़ा, देखो बर्फ गल लगी धीरे धीरे भाई। तुम्हें दिख रहा होगा ये सफेद सफेद जम रहा है कुछ कुछ, अभी दिखो दिखा रहा हूँ अभी मैं, तब दिखेगा तुम्हें। अरे यार ये देखो गाड़ी पे कितनी ज्यादा बर्फ जम गई, ये देखो, अरे भाई पूरे ऊपर ही आ रही है बर्फ, रुको भाई गाड़ी रुकेगी तभी दिखाऊंगा। देख रहे हो कैसी बर्फबारी हो रही है कुफरी में, ये देखो बड़ी बड़ी, ये अभी सभी साथ जो वैसे दिख रहा है अभी यहाँ पे पूरा वाइट वाइट, अरे तेरी भाई बहुत तेज लगा है, ये पूरा वाइट वाइट हो जाएगा अभी दिखाऊंगा, जब वाइट वाइट हो जाएगा तब दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत मस्त मजा आ जाएगा एक नंबर का। भाई देख रहे हो हमारे पीछे जो पहाड़ है ये है कुफरी के पहाड़, ये देखो मस्त एक नंबर के है, बहुत मौसम एक नंबर हो गया। बर्फबारी हुई थी अभी रास्ते में तो दिखाया था, यहाँ पहुँचते पहुँचते बर्फबारी हो गई बंद। राजन भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? भाई मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो पर यहाँ बस एक ही एक चीज से मेरी हिमाचल में एक चीज से शिकायत है, पता क्या, जो यहाँ के जो ब्रोकर है ना भाई, तुम्हें हर बंदा लूटने वाला मिलेगा, हर कोई मिस कार्ड करता। तो जब भी आप आओ ना, या जो कोई घूम चुका है उससे पहले पूछ के, या फिर इस ब्लॉग को देख लो कि किसी के भी दलाल उसमें नहीं पड़ना भाई, जो चीज 500 की है वो 800,000 ले रहे हैं। चलो निकल जान दो भाई, ठीक है। जो नजारा है तुम देख रहे हो ना, ऐसा नजारा तुम्हें कहाँ मिलेगा भाई देखने को, सिर्फ किताबों में तुमने ऐसा नजारा देखा होगा। अभी तुम्हें दिखाऊंगा एप्पल गार्डन भी, एप्पल गार्डन देखोगे ना मस्त, ये देखो ये क्या बात, शानदार लाजवाब एक नंबर। बारी खाने की, तो खाना भाई ये रहा, ये देखो सारे लोग खा रहे हैं थाल, और सामने है व्यू जो कि एकदम मस्त लग रहा है, खाने के साथ साथ ऐसा पहाड़ वाला व्यू बहुत मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद। अभी तो फिलहाल खाना खा ले, बहुत महंगा खाना है यार, 250 रुपये में ये देखो ये खाना मिला, 250 रुपये में ये 70 रुपये मिलता है लखनऊ में कपूरथला पे।
इस व्यू का फोटो शूट लेने के बाद क्या मस्त लग रहा है ना भाई, एक नंबर का फोटो आए मस्त। अगर वो फोटो देखना चाहते तो इंस्टाग्राम पे देख लेना, फॉलो कर लेना मुझे, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना, मैं सब बता दूंगा कैसे कहाँ कितना खर्चा आएगा, कहाँ का पैसा बचाना है, कहाँ का पैसा खर्च करना है। तो भाई मस्त, अब चल रहे हैं कहीं और, क्योंकि कुफरी में तो घूम चुके हैं, थोड़ा सा और कुछ देखना होगा, एडवेंचर पार्क वगैरह तो वो भी देख लेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं। देख रहे हो कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, ये देखो ये सारा बर्फ ही बर्फ है, ये देखो वहाँ से लेके पूरा, अभी तो थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, पर जितनी भी हुई है भाई ये देखो भाई शिमला में अभी हो रही है बर्फबारी, क्या मस्त भाई बर्फीबारी बारी हो रही भाई, देखो तुम्हें लग रहा होगा ना हल्की है, बहुत ज़्यादा हुई थी शिमला में, ये मस्त मज़ा आ रहा है ना, पूरा व्यू देखो सफ़ेद ही सफ़ेद लगेगा तुम्हें, ये देखो ये सूरा पूरा मस्त है ना, मस्त यार ये देखो क्या मस्त, यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको, एक नंबर का भाई। फाइनली शिमला टूर हो गया हमारा ख़त्म, क्योंकि हमें सच बताऊँ ना मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ जो कुफरी है वहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह वो होता है, अगर तुम शिमला में आ रहे हो तो सिर्फ वहीं जाओ कुफरी वगैरह में, बाकी अदरवाइज चीज़ तो शिमला में व्यू तो आप ऐसे ही देख लो, ये रहे सारे व्यू, अदरवाइज कुछ नहीं है। मुझे अगर स्नोफॉल होती तो ज़्यादा मज़ा आता। कैसा लगता है, रेटिंग देखता हूँ शिमला की, रेटिंग कैसी कैसी देते हैं ये लोग, ठीक है रुको। तो भाई ये है राजन भाई हमारे, ये बताएंगे कैसा लगा आपको शिमला में आके, कैसे कितनी रेटिंग दोगे शिमला टूर को आज, इस वाली टूर को? 10 में से 6 रेटिंग देंगे 10 में से 6 रेटिंग। क्यों? इतना सुनने को मिलता है कि इतना ज्यादा एडवेंचरस जगह है, उतनी है नहीं। ओके, और ये कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके उतना मजा आएगा नहीं। हाँ, तो ज्यादा पैसा क्या, ज्यादातर खुद ही आप घूमे वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और यहाँ पे जो कैब वैब के चक्कर मत पड़ जाना, क्योंकि वो तो पैसे ठगते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ खड़ा कर देंगे, कह देंगे भाई ये है नाइट्स व्यू, ये है ग्रीन वैली, और ये है ये बस ऐसा कुछ है। आओ अब देते हैं अरविंद भाई का, ये कुछ अपना वो देंगे। कैसा लगा सर आपको शिमला टूर, कितनी रेटिंग देंगे? -2 इसका रीजन बताएंगे क्यों? बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, एस भाई गोलू भाई बिजी है, आए गोलू भाई, ए सुनो सुनो भाई, कैसी लगी आपको शिमला टूर ये बता दो बस। इस एक हमारे ग्रुप में सब में से सिर्फ एक बंदा है जिसको ये सब अच्छा लगा है, वो है गोलू भाई, पता नहीं क्यों अच्छा लगा ये। अच्छा पानी अब हम जाएंगे शिमला से मनाली, तो मनाली में कुछ नहीं निकला, अगर मनाली में कुछ नहीं निकला तो भाई सीधे फिर वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करेंगे और सीधे अपने वापस लखनऊ जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे अम्बेडकर पार्क, वही फिर डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाएगी। तो चलो गाइस अब यहाँ पे वेट करेंगे एमसी पार्किंग में, यहाँ से आपको मिल जाएगी सीधी वॉल्वो बस मिल जाएगी, ये वाली जो वॉल्वो बस खड़ी है ये आपको मिल जाएगी शिमला टू मनाली के लिए।